दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने दिया था होमवर्क और कल का सवाल बोर्ड पे करने के बाद कहा था कि आप इसको दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिए जिनको मसला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सवाल भी किया होगा। पैटर्न इसका वही था, चार प्रोडक्ट्स हैं और 31 दिसंबर 2007 की स्टॉक की वैल्यू निकालनी है और मेथड नहीं बताया, तो मैंने आपसे कहा था कि एफ को कर लीजिए, मैंने सॉल्यूशन एफ को के हिसाब से ही बनाया हुआ है। चार प्रोडक्ट्स हैं, चारों को अलग अलग जिस तरह बोर्ड पे किया था वैसे ही हैंडल करना था इसको। प्रोडक्ट ए डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपने अगर मजीद कुछ पूछना हुआ तो मैं बोर्ड पर वो करके दिखा दूंगा चीज़। प्रोडक्ट ए बता रहा हूँ पहले, वैल्यू निकालनी है, प्लान वही है सवाल का, तो वैल्यू निकालनी है, उसके लिए चाहिए कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर। तो एनआरवी का डाटा भी है, कॉस्ट का डाटा भी है और यूनिट्स, बिल्कुल कल वाले सवाल की तरह उसमें हमें यूनिट्स में से भी, वैसे तो खैर कर सेल्स निकालनी पड़नी थी, यहाँ पर क्लोथिंग निकालना पड़ेगा। क्यों क्लोथिंग के यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, ये सवाल किया किस किसने है, तो बाकी लोग जो हैं वो सर्टिफाइड बदतमीज हैं ना। ठीक है, शाबाश, जबरदस्त। प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि दिया नहीं है, तो ओपनिंग के यूनिट्स हैं, परचेज के यूनिट्स हैं और सेल्स के यूनिट्स हैं, तो यहाँ से क्लोजिंग के यूनिट्स निकल आएंगे। कॉस्ट के लिए अगर हम वेटेड एवरेज ही लगा लें तो उसका तरीका ओपनिंग की अमाउंट और परचेजेस की अमाउंट को ऐड कर लें। अच्छा, अब मसला के परचेजेस की अमाउंट एक नहीं है, परचेजेस की अमाउंट में इनवॉइस वैल्यू भी है, इनवॉइस वैल्यू मतलब जो बिल के ऊपर लिखा है, इनवॉइस बिल होता है, तो परचेज प्राइस हो गई, इसमें मजीद ऐड करना पड़ेगा नॉन रिफंडेबल ड्यूटी, फिर इसमें मजीद ऐड करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन है जो खरीदने से लेके गोडाउन तक लाने में लगे, तो जो प्रोडक्ट ए की ओपनिंग स्टॉक की क्या अमाउंट है, 60,000 प्लस परचेज की इनवॉइस वैल्यू 810, इसके साथ हम परचेज की, ये तो फाइनल नहीं है परचेज कॉस्ट, इसमें और भी ऐड होना है, ड्यूटीज ऐड हो जाएंगे 90,000 और इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो जाएगी 100 रुपये बस, ये 100 रुपये पर यूनिट है, हम ये टोटल खर्चे ले रहे हैं, तो जितने यूनिट्स खरीदे यानी 360 इंटू 100 रुपये करके यहां लिखेंगे, ये है पूरी परचेज की वैल्यू, ये ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट और ओपनिंग के यूनिट्स 30 और परचेज के यूनिट्स, ये इस तरह से एवरेज रेट निकलेगा, ये निकल आएगी कॉस्ट पर यूनिट और एनआरवी हमें दो अलग अलग निकालनी पड़ेंगी क्योंकि प्रोडक्ट ए के कुछ डैमेज्ड हैं और कुछ ठीक हैं। कितने कुछ डैमेज्ड हैं, 25, तो जो स्टॉक निकाला जो कि 40 यूनिट्स निकला उसमें से 25% यानी 10 यूनिट्स डैमेज्ड हैं और बाकी 30 ठीक हैं, तो 30 की एनआरवी अलहदा और 10 की एनआरवी अलहदा। 30 की एनआरवी फ्यूचर तो नहीं बताया, फ्यूचर तो नहीं बताया, तो फिर जितने का पूरे साल में बेचा है वही सेल प्राइस होगी, तो आप वो फिगर कैसे निकालेंगे, साल में कितने का बेचा, सेल्स अमाउंट बताई हुई है, सेल्स के यूनिट्स बताए हुए, डिवाइड करके निकल आएगा, ये हो जाएगी नॉर्मल वाले की एनआरवी के लिए सेल प्राइस और 150 रुपये है कॉस्ट टू सेल। कैसे है 150 रुपये कॉस्ट टू सेल, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम कंपनीज गोडाउन टू कस्टमर प्रेमिसेस, तो इसका मतलब कस्टमर के प्रेमिसेस में हमने पहुंचाना होता है, तो ये कॉस्ट टू सेल है, ये 150 रुपये कॉस्ट टू सेल है। और जो डैमेज हैं उनके बारे में लिखा है कि जो नॉर्मल प्राइस है उसके 60% पे डैमेज वाले बिक जाएंगे, तो ये उनकी सेल प्राइस हो जाएगी। प्रोडक्ट ए में अब आपने कुछ पूछना है, जिन्होंने भी किया है बिल्कुल उसी पैटर्न पे ही सवाल था जो मैंने कल बोर्ड पे किया था, तो प्रोडक्ट ए से रिलेटेड कोई भी सवाल, परेशानी, तकलीफ नहीं पूछेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। प्रोडक्ट ए डन, यार इतनी आसान है, देखें कॉस्ट। प्रोडक्ट बी वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, बस उसमें डैमेज नहीं है और सी और डी किसी में भी डैमेज नहीं है, तो प्रोडक्ट बी में भी कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकलेगी और एनआरबी के लिए सेल प्राइस वैसे ही जिस तरह ए की निकाली है वैसे निकलेगी। प्रोडक्ट सी, अब प्रोडक्ट सी के लिए हमें 3 फिगर्स अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट सी पहले कितने का बेचते आए,
और अब ऑनवर्ड हमने क्या करना है, तो ऑनवर्ड हमने बेच लेना है 3500 का। मार्केट में लोग बेचते हो 3200 का, लेकिन मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन फ्यूचर इट विल आल्सो हैव टू रिड्यूस द प्राइस टू 3500। हम 3500 का बेच लेंगे, तो हम एनआरबी के लिए सेल प्राइस 3500 लेंगे, 3200 का भी कुछ नहीं करेंगे और जितने का पहले बेचते आए थे उसका भी कुछ नहीं करेंगे। ये है प्रोडक्ट सी की एनआरबी, और डी जैसे बी किया वैसे डी होगा। और आपने कुछ पूछना है इसमें तो पूछिए जी। यानी जैसे मैंने वैल्यूज डाली हैं, यानी आप ये भी कह रहे नहीं लिखे, यानी मैंने इस वक्त जैसे लिखा है आप कह रहे हैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख लें या पहले इंग्लिश लिखनी जरूरी है? अच्छा, इस चैप्टर में या बाकी चैप्टर में तो खैर है आप डायरेक्टली ये कर लें, लेकिन एक चैप्टर पढ़ाऊंगा वेरियंस, उसमें जरूर पहले इंग्लिश लिखनी है। और उसके लिए फिर अब जनरली भी यही एडवाइस है कि जो भी फार्मूला हुआ करे पहले इंग्लिश लिख लिया करें, क्योंकि उससे फायदा, एक तो ये फायदा होगा कि वो फार्मूला आपने जब इंग्लिश में लिखा होगा तो आपको भी पता है कि आपने कौन कौन सी फिगर ढूंढनी है सवाल में, और पेपर मार्कर को भी पता होगा कि आप फार्मूला सही लगा रहे थे। हो सकता है आपसे फिगर लेते हुए कोई गलती हो जाए, लेकिन चूंकि आपने फार्मूला सही लिखा हुआ था तो वो अगर रहम दिल इंसान हुआ तो शायद को आधा नंबर दे दे कि इसको पता है करके आ रहा था, बस फिगर की गलती हो गई। तो इसलिए एडवाइस तो ये है कि फार्मूला लिख लेना चाहिए, यानी इसको पहले अंग्रेजी में लिख लें, ओपनिंग की अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स परचेजेस के यूनिट्स, उसके बाद ये वाला काम करें तो बेहतर है अंग्रेजी में फार्मूला लिख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में और सवाल कैसे आ रही है 4000 प्रोडक्ट सी, यही तो बताया अभी, प्रोडक्ट सी पहले कितने का बेचते आए हैं जो आपने डिवाइड करके निकाला होगा 4000 का, लेकिन एनआरवी के लिए सेल प्राइस हमने पास्ट लेनी होती है, फ्यूचर है, फ्यूचर ना, तो पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया उसकी वजह से जो प्रोडक्ट सी है हमें उसकी प्राइस अब कम करनी पड़ेगी, और हमें कम करके 3500 करनी पड़ेगी, तो एनआरवी के लिए ये प्राइस लेंगे ना, पहले जो थी वो थोड़ी लेंगे, तो इसलिए 3500 ले रहे हैं। क्वेश्चन 8 में और मसला चले ठीक है जी। और अब मैं एंट्रीज कराने लगा हूँ, और आप के लिए यही एनआरबी की प्रैक्टिस के लिए एक सवाल होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 है जी। हाँ हाँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी 4 प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्ट एनआरबी ये सब कैलकुलेट करनी है। ये अब थोड़ा सा और बेहतर हो गया सवाल, ये जो पहले किए थे उससे थोड़ा लेवल बढ़ गया इसका, तो ये आप करके आइए और ये फिर मैं कल डिस्कस करूंगा अगर मसले होंगे तो। ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है। जो जो बच्चे होमवर्क किया करें अल्लाह ताला उनके सारे पेपर फर्स्ट टाइम में पास हो जाएं। जी क्या चीज जी, ये कहाँ है? वेयर हाउस में जो एसेट्स होते हैं उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन होती है। आप एफ आर वन पढ़ रहे हैं अभी ना? तो अभी डेप्रिसिएशन तक नहीं पहुंचे, मुझसे पढ़ रहे हैं? नहीं रॉ मटेरियल की डेप्रिसिएशन नहीं होती है, डेप्रिसिएशन मुझसे पढ़े ऑनलाइन कहां तक किया मैंने अभी अवेलेबल आज क्या है। अच्छा अच्छा, बहरहाल नॉन करंट एसेट्स जो है ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उनकी होती है डेप्रिसिएशन एसेट्स की। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ था ना बेसिक कॉन्सेप्ट वाले, वो था कि रॉ मटेरियल के स्टोर में जो एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन, रॉ मटेरियल की डेप्रिसिएशन नहीं थी, क्योंकि फिनिश गुड्स के स्टोर में और एसेट्स हैं, रॉ मटेरियल के स्टोर में और एसेट्स हैं। वेयर हाउस मतलब स्टोर, तो जो रॉ मटेरियल का स्टोर है, मैंने कल भी बात की थी, जिन्होंने अभी भी नहीं लिखा वो अब लिख लें, मजीद देर ना करें। मैंने कहा था कि जो रॉ मटेरियल के स्टोर के खर्चे हैं वो सब एफओएच का हिस्सा हैं, जो लोग अभी लिख रहे हैं शर्म करें, पहले क्यों नहीं लिखा था आपने? रॉ मटेरियल के स्टोर के जो भी खर्चे हैं वो सारे एफओएच का हिस्सा होते हैं,
क्योंकि रॉ मटेरियल स्टोर करते ही क्यों है, प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, तो वो फैक्ट्री का जरूरी हिस्सा है। तो रॉ मटेरियल के स्टोर के जितने भी खर्चे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपको मैंने कॉस्ट एनआरवी की काफ़ी सारी प्रैक्टिस, काफ़ी सारी ही हो गई, काफ़ी सारी से मुराद है जितना भी हमारे पास टाइम है, तो उसके अलावा अभी एक दो सवाल होमवर्क में चलाऊंगा और अभी क्लास में भी और होंगे प्रैक्टिस, अभी मजीद है। अभी जैसे जो लेटेस्ट सवाल था पिछली अटैम्प्ट का, वो भी बड़ा अच्छा सवाल था, वो मैं क्लास में करूंगा। स्प्रिंग 22 ऑटम 21 एक अच्छा सवाल है एनआरवी का, वो मैं क्लास में करूंगा। तो अभी इसकी आगे प्रैक्टिस क्लास में भी चल रही होगी और होमवर्क भी साथ साथ एक दो सवाल चलाऊंगा। तो अभी आज आपको नंबर 5 होमवर्क दिया है, अच्छा है सवाल, जितना अभी क्लास में किया था उससे थोड़े से बढ़ जाएगा लेवल, लेकिन ऐसी सीखेंगे ना, ऐसी प्रैक्टिस ही सीखेंगे आप, तो इसलिए आपने यह सवाल करना है। अच्छा, सवाल आप लोग ना पूरा सॉल्व पहले किया करें। अगर आप ये करेंगे ना कि सवाल देखा समझ तो नहीं आया, सोल्यूशन देख लेते हैं फौरन, तो अगर आप सोल्यूशन ही देखते रहा करेंगे तो फिर अपनी अटेम्प्ट में भी बाद में सोल्यूशन देख के ही फैसला कर रहे होंगे कि अच्छा मुझे ऐसे करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। आप लोग सोल्यूशन देखने से पहले पूरा सवाल सॉल्व किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो रजिस्टर का पेज ज़ाया हो जाएगा ना, तो रजिस्टर का पेज बचा के कबर में लेके जाना, रजिस्टर क्या हो जाएगा, खरीद लिया रजिस्टर आपने, तो अब आपने ये सवाल सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन देखना है। अच्छा, जब आपने सोल्यूशन देखा बाद में और आपको पता लगा कि गलतियां हो गई थी, कोई बात नहीं, उन गलतियों से सीखें कि ये गलतियां क्या थी, बोंगियां थी, चवलें थी, नॉलेज का मसला था, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज थी जो क्लियर नहीं हुई है, वो गलतियां पता चलेंगी, रीजन तो उनको ठीक करेंगे ना। नॉलेज का मसला था तो अगले दिन डिस्कस करूंगा तो नॉलेज आ जाएगा, कॉन्सेप्ट मसला था जो अब तक समझा हुआ था शायद आपने गलत, अगले दिन डिस्कस होगा दोबारा आ जाएगा। और अगर बोंगियां थी तो अब आपने ना अपनी बोंगियां भी नोट करनी है। ज्यादातर बोंगियां बच्चों की ये होती है कि सवाल ध्यान से पढ़े नहीं होता, जब सोल्यूशन देखते हैं तो ऐसा ज्यादा होता है, ये तो लिखा हुआ था मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर इसके अलावा एक और कॉमन बोंगी ये होती है कि उनकी उंगलियां टेढ़ी होती हैं, तो जब कैलकुलेटर में उंगली मारते हैं तो दबाना फोर्स कर रहे होते हैं तब कुछ और जाता है, ये भी एक कॉमन गलती होती है, तो इससे बचा जा सकता है। आप शुरू से ही डबल कैलकुलेशन की आदत डालें, हर कैलकुलेशन डबल चेक किया करें, तो इस तरह की गलतियों से पकड़ी जा सकती है कैलकुलेशन की। कॉस्ट और एनआरवी की प्रैक्टिस भी हो गई, मैंने उसकी कैलकुलेशन वगैरह सब बता दी। अच्छा, अब उसका रीजन समझ लें कि लोअर क्यों। मैंने जब शुरू में रूल लिखा था इन्वेंट्री की वैल्यू को रखना है किस पे, लोअर ऑफ एनआरवी और कॉस्ट, तो उसकी वजह समझ लें कि क्यों है। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपसे पूछा तो उम्मीद है नहीं जाएगा कि लोअर क्यों होता है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। स्टॉक बिजनेस का एसेट है, और जो लोग एफआर वन अभी पहली दफा पढ़ रहे हैं यानी अकाउंटिंग पहली दफा पढ़ रहे हैं उनको अभी तक ये तो पता चली गया होगा कि एसेट्स क्या होता है, बिजनेस के रिसोर्सेज हैं जिनसे फ्यूचर बेनिफिट मिलने। स्टॉक बिजनेस का एक एसेट है, और अगर स्टॉक में पड़े हुए हैं मिसाल के तौर पे 10,000 यूनिट्स, तो हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड क्या है, डबल एंट्री डेबिट क्रेडिट, क्या चीज रिकॉर्डेड है इसकी, कॉस्ट या एनआरवी? कॉस्ट, क्योंकि जब खरीदा था बनाया था तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करते आ रहे थे, तो हमारी बुक्स में कॉस्ट मौजूद है, कॉस्ट है इसकी 25,000। बैलेंस शीट में यह 25,000 का एसेट आ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट्स शो करते हुए एक बड़ों बूढ़ों का कॉन्सेप्ट ये है, और ये आप लोग जब एफ आई आर वन में आगे चलेंगे ना, एफ आई आर वन में, एफ आई आर टू में, तो कई आई एस इस तरह के पढ़ेंगे, जैसे आई एस 16 में भी ये चीज़ आ जाएगी। फिर जो लोग एफ आई आर वन पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, बैड डेट्स का एक चैप्टर आप लोग रिविजन के तौर पर पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ सामने आ जाएगी। फिर एफ आई आर वन में ही एक चैप्टर आप लोग आई एस 36 पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ सामने आ जाएगी। तो मल्टीपल स्टैंडर्ड में चीज़ सामने आती रहेगी कि किसी भी एसेट को एस ओ एफ पी में शो करने से पहले ये इंश्योर कर लें कि कहीं ये औकात से बढ़ चढ़ के तो नहीं शो हो रहा, क्या इतनी हैसियत इसकी है। एसेट क्या होता है, रिसोर्स जिसे फ्यूचर बेनिफिट मिलने, तो अगर हम इसको बैलेंस शीट में एसेट कहने वाले हैं तो क्या 25,000 का बेनिफिट मिल जाएगा, ये तसल्ली करने के मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसी तरह से एक बैलेंस शीट में डेटर शो हो रहा है, डेटर 15,000 का। अच्छा, जो लोग अभी पहली दफ़ा अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो इस बात को बेशक ना समझ आए तो छोड़ दें, क्योंकि ये पढ़ाना है मैंने अभी, बाकी आप जिन किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं मुझे उम्मीद है कि वो आपको बैड डेट तो रिवाइज करवाएंगे ही करवाएंगे, तो आप लोग पढ़ लेंगे एफ आई आर वन में। जिन्होंने पढ़ा हुआ है मेन उनसे बात कर रहा हूँ, बाकी भी जो नए हैं कोशिश कर लें शायद आ जाए बात समझ। बैलेंस शीट में हम डेटर एसेट शो करते हैं, अगर यकीन है कि इसमें से 4,000 नहीं मिलना तो फिर भी एसेट में डेटर 15,000 ही दिखाते रहे, तो उस 4,000 को हम बैड डेट कह देते हैं, इसको हम 4 कम कर लेते हैं, वो एक्सपेंस बना लेते हैं और एसेट को फिर 11 शो कर देंगे। मकसद क्या है, मकसद ये है कि बैलेंस शीट में जो एसेट शो हो वो औकात से बढ़ा चढ़ा के ना शो हो, जितने उससे बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे हैं बस उतना ही शो हो, ज्यादा शो ना हो। एक और मिसाल, सिर्फ एफ आई आर वन पढ़े हुए लोगों से, IS 36 रिकवरेबल अमाउंट इंपेयरमेंट, उसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब पीपी को बैलेंस शीट में दिखाने लगे तो अगर उसकी रिकवरेबल अमाउंट कम है तो उसको इंपेयर कर लें, बढ़ा चढ़ा के ना दिखाएं। तकरीबन सब स्टैंडर्ड में यही कॉन्सेप्ट होता है कि एसेट को
बढ़ा चढ़ा के ना दिखाएं, उसको अपनी औकात पे रख के दिखाएं। इस इन्वेंट्री को इस पे एसेट दिखाने से पहले ये तसल्ली कर लें कि क्या फ्यूचर में इतने बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर एनआरवी 32,000 है तो बेफिक्र होकर 25,000 को एसेट दिखाएं। अगर एनआरवी 32 है तो ठीक है, फिर 25 आना ठीक है, हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड क्या है अभी 25, तो ठीक है ये दिखाएं बैलेंस शीट में एसेट, क्योंकि ये पैसे हो जाएंगे रिकवर। लेकिन अगर हमें इससे नेट 22 मिलता नजर आ रहा है तो फिर इसको बढ़ा चढ़ा के 25 पे ना दिखाएं, इसकी औकात ही नहीं है इतनी, तो इसको कम करके 22। तो इसलिए रूल क्या बन गया, कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखें तो कॉन्सेप्ट मैं इस तरह से समझा रहा हूं कि कॉस्ट को बैलेंस शीट में दिखाने से पहले, कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बैलेंस शीट में दिखाने से पहले तसल्ली कर लें कि एनआरबी से कहीं वो ज्यादा तो नहीं शो होने लगा। अगर एनआरबी ज्यादा है तो बस ठीक है, कॉस्ट पे आने दें। लेकिन अगर एनआरबी कम है तो फिर ये बढ़ा चढ़ा के दिखाना अच्छा नहीं होगा, फिर कम करके इसको 22 कर दें। तो इसके लिए असूल क्या बन गया, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, ताकि ये बात कवर हो जाए। तो ये वजह होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी दिखाने की, कि हम एसेट को बैलेंस शीट में दिखाते हुए उसकी कॉस्ट को कहीं बढ़ा चढ़ा के ना बता रहे हो। अगर उसकी औकात कम है तो फिर हमें कम दिखा देना चाहिए, ये रीजन है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी की। वैल्यूएशन में कॉस्ट एनआरबी ये हो गया। अब आगे चलते हैं इस चैप्टर में डबल एंट्रीज पे, जलन एंट्रीज पे। जर्नल एंट्रीज, ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वेंट्री बस सिर्फ गुड्स होती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वेंट्री रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोसेस भी है और फिनिश गुड्स भी हैं। और वर्क इन प्रोसेस तो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने लगे क्योंकि उसका चैप्टर अलहदा है। तो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फिनिश गुड्स की एंट्रीज बतानी होंगी आपको, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल की भी बतानी होंगी और फिनिश गुड्स की भी। तो पहले मैं आपको बताने लगा हूँ रॉ मटेरियल की। पहले ये बताता हूं उसकी एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं, फिर फिनिश गुड्स बताऊंगा। अच्छा, किस बात की एंट्रीज, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की, जो जो भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, इन्वेंट्री का आना जाना, जाया होना, इस्तेमाल होना, उन सब की अकाउंटिंग बता रहा हूं। जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है ना, उनकी अकाउंटिंग बता रहा हूं। तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या क्या इन्वेंट्री की आनियां जानियां हो सकती हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है, खरीदना हो सकता है, बिल्कुल। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने आपको कॉस्ट की कैलकुलेशन से पहले, प्रैक्टिस कराने से पहले दो सिस्टम बताए थे, परपेचुअल और पीरियोडिक। कॉस्ट अकाउंटिंग में परपेचुअल ही होता है, और खास तौर पे अगर डबल एंट्रीज टेस्ट हो रही है तो परपेचुअल ही होता है। किताब में भी आई कैप की परपेचुअल ही डिस्कस्ड है, तो मैं परपेचुअल ही की एंट्रीज बता रहा हूं। चले एहतियातन पीरियोडिक की भी बता देता हूँ। एहतियातन है जी, किधर है, कौन है, कहाँ, परपेचुअली ठीक है। चलिए आप पीरियोडिक ना नोट करना, मैं बता देता हूँ एहतियातन, अगर आप ना नोट करना चाहें ना करें, कोई मसला नहीं। वैसे है परपेचुअल ही होता, परपेचुअल ही है कॉस्ट अकाउंटिंग में, और परपेचुअल ही काफ़ी है। लेकिन ऐसी बस दिल में कुछ कच्चा कच्चा सा हो रहा है कि ये बता ही दूँ तो पीरियोडिक बेहतर, तो इसलिए बता देता हूँ। जो ना नोट करना चाहें उनकी मर्जी, ना नोट करें। हाँ जी, क्या क्या ट्रांजेक्शन, मटेरियल परचेज हो सकता है, तो रॉ मटेरियल हो गया परचेज। अगर रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, अच्छा अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग पहली दफ़ा अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो FR1 भी पढ़ रहे हैं, और डेबिट क्रेडिट तो कर ही चुके हैं, ठीक है, सारे के सारे। परपेचुअल सिस्टम के मुताबिक, चूंकि परपेचुअल सिस्टम होता है जिसमें हमने इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन का सारा अप टू डेट रिकॉर्ड रखना है। अच्छा, यहाँ शायद बात हुई है, चलो नहीं हुई तो अब कर लें, हुई है तो दोबारा सुन लें। एसेट और एक्सपेंस दोनों ही खर्चे होते हैं, फर्क क्या है, हाँ वो खर्चा
जिसका बेनिफिट मिल गया वो एक्सपेंस है और जिसका बेनिफिट मिलना है वो एसेट है। परपेचुअल सिस्टम ये कहता है कि रॉ मटेरियल अभी खरीदा है, इसका बेनिफिट कब मिलेगा, क्या होगा तो बेनिफिट मिलेगा, सेल रॉ मटेरियल सेल कर देंगे, शाबाश, जब प्रोडक्शन हो जाएगी, प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा, तो अभी तो नहीं ना हुआ, अभी तो इसको खरीदा है, तो परपेचुअल सिस्टम वालों के नजदीक मटेरियल खरीदना एक एसेट है, तो एंट्री हो जाएगी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश पे खरीदा है तो कैश क्रेडिट, उधार पे खरीदा है तो उधार क्रेडिट। पहले परपेचुअल सारी बता दूं फिर इधर आऊंगा। और अगर खरीदा पर वापस कर दें तो इसी को रिवर्स कर देंगे। इसी को रिवर्स कर देंगे। पैसे थे तो पैसे डेबिट, क्रेडिटर था तो क्रेडिटर डेबिट, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। चले रॉ मटेरियल खरीदा, वापस कर दिया, बर्बाद खत्म, दुकान बंद, क्या करें? और मटेरियल का, मटेरियल को सेल कर दें, शाबाश, प्रोडक्शन को इशू कर दें। तो जो रॉ मटेरियल स्टोर में है उसको अब हम प्रोडक्शन प्रोसेस को इशू करेंगे। इसी से आगे चल रहा हूं। अच्छा, मैं जो डेबिट में अकाउंट लिखने लगा हूं ना, ये अभी सिर्फ आप नाम याद कर लें, इनका एक अलहदा चैप्टर पढ़ाना है मैंने, उसमें ये बात समझ आएगी कि ये वाले नाम क्यों डेबिट हुए थे। अभी एंट्री में मैं सिर्फ डेबिट नाम लिखने लगा हूं, बस अभी सिर्फ रट्टा है, अभी वजह नहीं है, वजह इसका एक अलग चैप्टर होगा तब बताऊंगा। जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को इशू हो रहा है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर ये डायरेक्ट है तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के नाम से डेबिट होगा, और अगर इनडायरेक्ट है तो FOH कंट्रोल के नाम से डेबिट होगा। ये दोनों क्या नाम है ये आगे चैप्टर आएगा तो बताऊंगा, अभी बस आप याद कर लें। अगर ये मटेरियल डायरेक्ट था तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में डेबिट, और अगर इनडायरेक्ट था तो FOH कंट्रोल में डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। क्यों पहले डेबिट क्यों हुआ था? क्योंकि स्टोर में आया था तो इन्वेंट्री एसेट बढ़ गया था, अब यहां से निकल गया तो एसेट कम हो गया, तो इसलिए रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। और प्रोडक्शन वालों ने वापस कर दिया कि नहीं अभी रखें वापस, तो इसी को रिवर्स कर देंगे। है जी, दो डेबिट हैं, ये तो मैंने अंग्रेजी लिखी है, ये मैं ट्रांजेक्शन लिख, ये डेबिट नहीं है, ये मैंने ट्रांजेक्शन लिखी है, ये एंट्री है, है? और ये लाइन है। तो अगर प्रोडक्शन से वापस स्टोर में आ गया है तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, एसेट स्टोर में वापस बढ़ जाएगा तो डेबिट, और वो जो डेबिट किए हुए थे वो क्रेडिट। और रॉ मटेरियल के साथ क्या सलूक हो सकता है? लॉस्ट हो सकता है, जल गया, चोरी हो गया, खराब हो गया, टूट गया, नुकसान हो सकता है। इन्वेंट्री का लॉस हो गया, फॉर एग्जाम्पल फायर, वैसे को डैमेज हो गया, चोरी हो गया, सैलाब आ गया, क्रेडिट क्या होगा? इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री कम हो गई।
अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं दो नाम इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस हम आगे चैप्टर्स में मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में फिर दोबारा पढ़ेंगे। अभी जो मैं इस स्टोर के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मल एबनॉर्मल बता रहा हूँ, मटीरियल के स्टोर में जब मटीरियल रखा जाता होगा लाके, तो उसको रखने के लिए मजदूर ही होंगे, वो सामान उठाएंगे रखेंगे। उन मजदूरों का जो काम करने का नॉर्मल तरीका है, अब वो अगर ये कुछ पैकेट की शक्ल में है तो ये तो नहीं होगा कि एक मजदूर जाके एक पैकेट उठा के आराम से प्यार से ला के आराम से रखेगा, फिर आस्ते आस्ते कहीं ठोकर ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए। वो जैसे भी नॉर्मली हैंडल करते हैं, छः छः पाँच पाँच डब्बे इकट्ठे ला रहे होंगे, ला के रखेंगे, तो उस हैंडलिंग नॉर्मल हैंडलिंग के दौरान भी नुकसान हो जाया करता है। जैसे इसको मैं किसी जनरल स्टोर जो आंखों से देखी हुई चीज़ें उसकी मिसाल दे देता हूँ। एक जनरल स्टोर है, वहाँ से चलो अंडे खरीद लेते हैं, तो अब अंडे वहाँ पर ट्रेज में रखे होते हैं। अब उन्होंने जो ट्रेज में अंडे रखे होंगे, ये क्या मुर्गी बस यार, मोबाइल साइलेंट करके बैठा करें ना क्या। जो शॉप पे ट्रेज में अंडे रखे हुए हैं, तो वो उन्होंने ट्रेज एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, और ऐसा नहीं है कि बड़े एहतियात से ट्रे को हटाएंगे, पूरे दो दो इंच का फोम रखा होगा, इसके ऊपर एक ट्रे रखेंगे, फिर शॉपर डराएंगे, डबल करेंगे, फिर दूसरी ट्रे आएगी। नॉर्मल हैंडलिंग है, इस दौरान भी रखते उठाते में भी कुछ अंडे टूट रहे होंगे, ये नॉर्मल हैंडलिंग के दौरान होने वाला नुकसान है। तो जो नॉर्मल हैंडलिंग के दौरान होने वाला नुकसान है वो नॉर्मल लॉस होता है, और जो उसके अलावा है, आग लग गई है शॉर्ट सर्किट की वजह से, सलाब आ गया है, या जो वर्कर्स में लड़ाई हो गई है, सामान मारना शुरू कर दिया दूसरे को, इस तरह के लॉस को एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, चोरी डकैती, ये एबनॉर्मल है। अगर नुकसान होना नॉर्मल था तो इसका डेबिट जाता है FOH कंट्रोल अकाउंट में, और अगर ये नुकसान होना एबनॉर्मल था तो P&L को चार्ज हो जाता है। और अकाउंटिंग में आप इनकम स्टेटमेंट की शक्ल तो देख ही चुके हैं, जो GP से नीचे पोर्शन आ रहा होता है ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे, उसको P&L कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह से बाद जो अदर एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं ना, उसको P&L कहते हैं। तो अगर ये लॉस नॉर्मल था तो FOH कंट्रोल लानी है अकाउंट में, मैंने नहीं बताया अकाउंट क्या होता है, होता है आगे चैप्टर में पढ़ाना है किसी, और अगर ये एबनॉर्मल था तो फिर ये P&L को चार्ज होगा। रॉ मटेरियल नोटेड। आपने रॉ मटेरियल के लिए याद रखना है कि जो लॉस है ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही है, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हम एहतियातन ये क्या करेंगे कि एंट्री में ये लिखने के बाद नोट लिखेंगे, मज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल था। रॉ मटेरियल के सवाल के लिए लॉस बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मल वाला ले रहे होंगे, और ये नोट ज़रूर लिख देंगे, लेकिन अगर आप इसको अब नॉर्मल मान लेंगे तो सवाल गलत नहीं होगा, दोनों बातें ठीक है, ज़्यादा बेहतर वैसे इसको नॉर्मल मानना है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के सवाल में हम इस लॉस को नॉर्मल ले रहे होंगे बाय डिफॉल्ट, और नोट भी लिख रहे होंगे। है? क्या क्या हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बाद अवकात ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो एंट्रीज पूछ रहा होता है तो उसमें अगर स्टूडेंट यही चीज बता देना कि ये एक्सपेंस बनना है तो उसमें एग्जामिनर राजी होता है, तो P&L का मतलब होता है कि ये उधर एक्सपेंस के नाम से जाना है। अब कौन सा अकाउंट का नाम इस्तेमाल करना है, कोई भी रखा जा सकता है, इन्वेंटरी लॉस्ट, गुड लॉस्ट, इन्वेंटरी लॉस्ट बाय फायर, वो इतना क्रिटिकल इशू नहीं है, तो इसलिए P&L का वर्ड भी काफी होता है। हैं? ओनर क्या करेगा रॉ मटेरियल लेके, रॉ मटेरियल लेके क्या करेगा? यहां तक नोटेड।
जी 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 क्या क्या हाँ इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है। अच्छा वो एक अच्छी चीज़ याद करा दी, मैंने कल क्वेश्चन वन डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट का, तो मैंने उसमें आपसे कहा था कि बगैर वजह के बस अभी मटेरियल में से माइनस कर दें वो जो लॉस हुआ था, वो जो 1,560,000 का कुछ लॉस था, तो ये उसकी वजह आ गई। इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है तो माइनस ना है। हाँ वो वाला एबनॉर्मल था, वो जो सवाल में था वो एबनॉर्मल था, क्योंकि उसमें शायद वजह भी कोई ऐसी बताई थी कि हाँ मशीन ब्रेक डाउन, तो वो एबनॉर्मल था, यानी अगर उसकी एंट्रीज मांगी होती तो ये एंट्री होती पी एंड एल डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, तो वो मटेरियल क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने लेस करने को कहा था। एनआरवी राइट डाउन, एनआरवी राइट डाउन ये है कि हमारी बुक्स में अभी तक सारी की सारी रिकॉर्डिंग कॉस्ट पे चल रही थी, ये सारी किस अमाउंट से एंट्रीज हो रही हैं कॉस्ट पे, क्योंकि चीज़ें खरीदी हैं जा रही हैं कॉस्ट पे। इस सब के बाद, इन सारी एंट्रीज के बाद, अगर इन्वेंट्री के अकाउंट में बैलेंस आ रहा था 3,000 जबकि एनआरवी 2,700 थी, तो हमें इस इन्वेंट्री को 3,000 से कम करके 2,700 पे लाना है, तो हमें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री करेंगे तो ये 2,700 पे आएगा, कितने से एंट्री करनी पड़ेगी 300 से, 300 से इन्वेंट्री को बढ़ाना पड़ेगा कम करना पड़ेगा कम, ये होता है एनआरवी राइट डाउन, ये एनआरवी राइट डाउन है कि हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 300 रुपए से ये एंट्री हो जाएगी, और ज्यादातर ये नॉर्मल ही होता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है, तो एंट्री क्या होगी यही वाली, ये यही वाली एंट्री होगी। सेम लिख रहा हूं दोबारा कि अगर ये एनआरवी राइट डाउन होना नॉर्मल है तो एफओएच कंट्रोल, एबनॉर्मल है तो पी एंड एल। सेम लॉस वाली एंट्री, क्योंकि ये वैल्यू कम हो रही है ना, ये भी लॉस जैसी चीज है। अगर ये एनआरवी राइट डाउन होना एक मामूली बात थी तो वो एफएच कंट्रोल, और अगर नहीं तो फिर पीएनएल। अच्छा अब ये मिक्स ना हो जाए इसलिए पहले मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा फिर ये पीरियोडिक वाली जगह भरूंगा, वरना अभी पीरियोडिक वाली बता देना तो मिक्स हो जाएंगे। तो आप ये तो खाली जगह है ही है, बस ये एंट्रीज पूरी हो गई, लेकिन पीरियोडिक में भी एक दो और आनी है एंट्रीज, तो कुछ 6-7 आईने खाली छोड़ लें, परपेचुअल वाली एंट्रीज बस बहुत हैं, लेकिन आप ये जो सब नोट कर रहे हैं तो आगे 6-7 लाइनें छोड़ लें खाली। अभी ये एंट्रीज पूरी हो गई, पीरियोडिक पहले मैं परपेचुअल की प्रैक्टिस करा दूं ताकि ये पक्का हो जाए काम, फिर पीरियोडिक वाली एंट्रीज बताऊंगा एहतियातन। तो आप आ जाइए, पास्ट पेपर्स आपके पास मौजूद हैं, पास्ट पेपर्स हैं, कितने लोगों के पास हैं अभी पास्ट पेपर्स, बस बहुत हैं अभी, बाकी शेयर कर लेंगे दूसरे से। ऑटम टेन क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जिनको ऑटम स्प्रिंग की गिनती नहीं आती तो स्प्रिंग मार्च को कहते हैं और ऑटम जो है वो सितंबर को कहते हैं, तो ऑटम 10 क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। और मेरा ख्याल है कि ये कॉपियर ने ऑटम 9 से ऑनवर्ड ही चलाए हुए हैं, तरतीब से ही लगाए हुए इसने पेपर, तो ऑटम 10 पे आ जाएं और उसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने में करता हूँ बोर्ड पे। हाँ जी क्वालिटी लिमिटेड, ऑटम 10 क्वेश्चन 2 पढ़ ले मैं कर रहा हूं बोर्ड पे।
जो पहले से पढ़ी है बैलेंस की एंट्री नहीं होती, बैलेंस तो बैलेंस होता है। अरे नहीं भाई, नहीं बैलेंस की एंट्री नहीं होती, बैलेंस तो बाकी बचा रह गया होता है। सवाल पढ़ रहे थे आप लोग, मैं पढ़ लिया। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल है, ये पता चल रहा है। SRM रॉ मटेरियल है, उसका सवाल है। और एंट्रीज रिक्वायर्ड है, ये भी पता चल गया। परपेचुअल है, परपेचुअल के पीरियोडिक लिखा हुआ है। अगर ना लिखा होता परपेचुअल तो भी बाय डिफॉल्ट परपेचुअल होता, क्योंकि डेट्स भी अवेलेबल हैं। और कॉस्ट की कैलकुलेशन का मेथड वेटेड एवरेज, तो कॉस्ट की कैलकुलेशन है, परपेचुअल है। देखें, ये जो भी मैंने एंट्री की थी प्रोडक्शन को इशू करने की, तो उस एंट्री की वैल्यू कैसे निकलेगी है? वो इन्वेंट्री कार्ड बनाना पड़ेगा। देखें, परपेचुअल है, वेटेड एवरेज मेथड है, तो कार्ड बनाएंगे तो पता चलेगा ना कि इशू के टाइम पे कौन सा रेट लग रहा था। तो हमें वर्किंग में कार्ड बनाना पड़ेगा। और इसमें आई एडवाइज कि आप पूरे सवाल का पहले कार्ड बना लें, फिर वहां से वैल्यूज दे देते हैं, एंट्रीज कर लेंगे। तो पहले इसका कार्ड बनाते हैं। और जो मैंने उस वक्त एक कार्ड का फॉर्मेट बनाया था वो तो है ही है, एक और बता रहा हूं, अगर आपको ये आसान लगे तो बेशक ऐसे कर लें। फाइफो में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वेटेड एवरेज में ये आसान है। एक और शक्ल बता रहा हूँ, वेटेड एवरेज में अगर आपको ये आसान लगे, मैनेज हो जाए, तो बेशक ऐसे कर लें, टाइम और जगह बचेगी इससे। तो सवाल की रिक्वायरमेंट है एंट्रीज, और अच्छा तमीज वाला तरीका ये होता है सवाल सॉल्व करने का, कि जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वहां से आंसर शुरू करें, उसकी वर्किंग्स फिर उसके बाद करें। तो एंट्रीज पूछी हैं कितनी, 10-12 एंट्रीज होंगी, तो एक डेढ़ पेज लग जाएगा, वो छोड़ के फिर वर्किंग्स पे आ जाएंगे। वर्किंग में मैं बनाने लगा हूं इन्वेंट्री कार्ड, जो एक पूरा लंबा फॉर्मेट बनाया था 11 कॉलम का, वो भी ठीक है। और वेटेड एवरेज में ये और आसान, ये देख लें मैं जैसे बोर्ड पे बना रहा हूं, अगर ठीक लगे तो इसको कर लें फॉलो, नहीं तो जैसे पहले किया था वही कर लें। डेट थोड़ी सी अंग्रेजी, और वो जो मैंने तीन तीन कॉलम के तीन सेट बनाए थे, अब एक ही बना रहा हूं। तीन सेट नहीं बना रहा हूं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस का है। ये जो आपको सारा डाटा दिया हुआ है ये जून का है, तो जून का शुरुआत पहली तारीख से होती है ना, या चौथी से होती है, पहली से होती है, तो पहली जून ओपनिंग स्टॉक कितना है, 80 यूनिट्स है, 80 सही। ये ओपनिंग बैलेंस है।
उसके बाद 5 जून को हो गई परचेज, कितने यूनिट्स 150। इस शक्ल के कार्ड बनाने में मैंने इसमें ये तीन तीन कॉलम के तीन सेट नहीं बनाए, बस एक ही दफा बनाया। इसमें फर्क ये पड़ेगा कि आपको हर लाइन के बाद ना इसको अपडेट करना पड़ेगा, तो वो बैलेंस शो कर रहा होगा 250, 2750, ये बैलेंस है। उसमें बैलेंस आखिर में जाके कॉलम में आता था, अब इस तरीके से आप हर ट्रांजेक्शन के बाद इसको अपडेट करते जाएं तो ये बैलेंस है। और रेट दिस डिवाइडेड बाय दिस 83 पूरा, फिर 6 जून को इशू हो गए, तो इशू होंगे तो उस वक्त स्टोर में कितने वाले 83 वाले, तो यही इशू होंगे। 6 जून को हो गए इशू, कितने इशू हो रहे हैं 150,000 83 वाले 1245000। ये इस तरह से बना रहा हूं मैं, जो आ रहे होंगे वो ऐड हो जाएंगे, जो जा रहे होंगे वो लेस हो जाएंगे, और हर ट्रांजेक्शन के बाद ये अपडेट होता जाएगा, ये बैलेंस है। तो इस तरह से बना लें, ये भी इन्वेंट्री कार्ड ही है। अगर उस तरह से पहले जैसे 11 कॉलम बनाए थे वैसे करना है वो भी ठीक, और अगर इस तरह कर लें कि जो इन है वो ऐड कर दें, जो आउट है वो लेस कर दें, और हर लाइन के बाद टोटल करते जाएं, तो ये बैलेंस होगा। आगे है जी, 5 हो सकता है लेकिन उसमें बैलेंस फिर दो तरह का लिखना पड़ेगा, उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो 5 में वही कर लें, वेटेड एवरेज ऐसे करना है, बेशक ऐसे कर लें, वैसे करना है वैसे कर लें। 83 कैसे निकला, शाबाश, एवरेज की, ये 83 कैसे निकला भाई, काला वाला, ये वाला एवरेज किया, टोटल अमाउंट टोटल यूनिट से ये रेट निकाला है, और ये वाला 83, ये वही वाला, और ये वाला 83 वही वाला, वही वाला कौन, 83 ही रह गए थे ना, तो 83 वाले ही अब इतने बच गए। आगे 5000 यूनिट्स हैं जो प्रोडक्शन से स्टोर को वापस आए हैं, यानी यही वाले, ये जो इशू किए थे इनमें से वापस आ गए हैं। तो ये जो इशू किए थे ये वापस आ गए 12 तारीख को, 12 तारीख को ये वापस आ गए। पांच हजार वापस आ गए, यही 83 वाले, अच्छा ये वाला 83 का, ये वाला, ये वाला जिस पे इशू किए थे उसी रिटर्न, आपको बताया था कि जिस पे लिखा था उसी पे रिवर्स, तो ये यही वाले हैं जो हमने 83 पे इशू किए थे वो वापस आए। अमाउंट 415000, और अब इनके आने से बैलेंस हो गया। ये ब्रैकेट कौन लगा गया, एट 715000। उसके बाद 15 तारीख को 1.5 लाख हो गए चेज, और इनके आने से पोजीशन ये बन गई के 255 हो गए, 21930 दिस डिवाइडेड बाय दिस 86.0 0.00 चल रहा है, अच्छा चलें ठीक, सही कह रहे होंगे।
अच्छा नोट जरूर किया करें लेकिन कैलकुलेशंस भी किया करें, कैलकुलेशन भी सब लोग किया करें कि पता तो चले कि फिगर्स निकली कैसे हैं, कैलकुलेशंस भी किया करें। पीछे रह गया तो मैं यहाँ रुक गया हूँ, बस यहाँ तक पहुँच जाएं, कैलकुलेशन भी करें फिर पहुँच जाएं, फिर चलते हैं आगे। मैंने कॉस्ट टेस्ट का बताया नहीं था पिछले वीक? हाँ कॉस्ट कैलकुलेशन यानी वो बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और ये कॉस्ट कैलकुलेशन तक, एनआरवी से पहले पहले कब है? नहीं एनआरवी नहीं है, हर वीक में थर्सडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा। और जी कल है ना, कल है, और मैं आपको हर वीक में एंड पे कुछ जुम्मे तक मुझसे पूछ लिया कीजिएगा कि अगले वीक के टेस्ट का सिलेबस क्या है, तो मैंने पिछले वीक बताया था। तो वो बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और ये फाइफो वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन है, हैं करनी है बस, ठीक है बहुत है। हाँ नैना से पहले पहले हाँ कहने आए कुछ गए भाई, पहुंचे यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, ये जो 5,000 है ना, अभी उन 5,000 की बात हो रही है, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 में कहा था कि 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स हैं जो प्रोडक्शन से वापस स्टोर में आए हैं। तो इन्हीं की बात हो रही है पॉइंट नंबर 6 में, 50% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स, ये उन्हीं 5,000 की बात हो रही है, आधे यानी 2,500 है ना, इनमें से आधे यानी 2,500 17 जून को डिस्पोज ऑफ कर दिए क्योंकि खराब थे। अच्छा ये डिस्पोज ऑफ जितने के भी किए वो 20 रुपए यहां लिखूंगा नहीं, यहां पर कॉस्ट आ रही होती है, तो जब हम यहां से कुछ खराब यूनिट्स भेज रहे हैं आगे तो उनको हम यहां से जस्ट फाइफो की तरह या वेटेड एवरेज की तरह आउट करेंगे। तो हम सेल कर रहे हैं इसकी, सेल ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 2,500, 86, 215, 5। अच्छा 86 पे क्यों, 83 पे क्यों नहीं? इसमें कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि तो वो वही वाले हैं, तो रेट अपडेट होता जा रहे हैं ना, वही वाली बात सिर्फ तब है कि जो रिटर्न रिकॉर्ड करनी है, रिटर्न ऊपर हुई ट्रांजैक्शन का रिवर्सल होता है। सिर्फ रिटर्न के लिए मैंने ये बात की हुई है कि जिस चीज की रिटर्न है उस पर कौन सा रेट लगना है, जो उसके ओरिजिनल पे लगा था जब इशू किए थे तो 83 पे थे, अब अगर ये अब देखें ये 83 से करते करते 86 आ गया हुआ है, अब अगर वो रिटर्न हुए होते तो 83 पे रिटर्न करते। रिटर्न की कॉस्ट क्या रखनी है, जब उनको ओरिजिनली ट्रांजेक्शन की थी तो क्या कॉस्ट थी, रिटर्न के लिए है ये सिर्फ,
उसके बाद नए आ रहे हैं, पुराने बेच रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ वही 5 वेटेड एवरेज वाला रूल लगेगा। अब ये हम 2500 यहां से निकाल रहे हैं ना बाहर, तो कौन से रेट पे? यही 86। नहीं, 5 में तो रेट अलग अलग आ रहे होते ना, फिर तो को 2-4 तरह के रेट आ रहे होते, तो उनमें से पुराने वाला 5 पुराने वाले में से आउट करते। तो ये सिर्फ रिटर्न के लिए देखना है कि वो कौन सा वाला रेट है, सिर्फ रिटर्न के लिए। उसके अलावा जो भी मूवमेंट है उस पर बस 5 वेटेड एवरेज का रूल लगेगा। अब पोजीशन ये हो गई कि 2525001715 जी, वो एंट्रीज में देखते हैं ना, यहां तो हमने सिर्फ कॉस्ट लिखनी होती है, हमने अपने इस इन्वेंट्री की कैलकुलेशन में कॉस्ट लिखनी होती है, जितने का बेचा वो 20 रुपए नहीं यहां लिखना, ये सिर्फ कॉस्ट के रिकॉर्ड हैं। उस एंट्री में देखेंगे 20 रुपए का क्या करना है। नंबर सेवन, अब ये अगेन रिटर्न आ गया, रिटर्न जो रिमेनिंग डिफेक्टिव है, कितने रिमेनिंग? 2500, ये रिटर्न हो रहे हैं सप्लायर को। अब ये कौन सी वाली रिटर्न है? परचेज रिटर्न, तो जिस पे परचेज हुए थे उसी पे वापस होंगे, और ये परचेज हुए थे 85 पे, है जी? नहीं समझ आई? रिटर्न को हमने उस रेट पे लिखना है जिस ट्रांजैक्शन की वो रिटर्न है, वो ट्रांजैक्शन जिस पे रिकॉर्ड हुई थी। रिटर्न के अलावा जो भी इन आउट है उस पे 5 वेटेड एवरेज वाला तरीका लगेगा, जो भी लगता है। तो ये चूंकि हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न है, तो इस पे वही 85 वाला रेट लगेगा। कब कर रहे हैं? 18 को परचेज रिटर्न 2500 85 पे 212। तो ये स्टोर से वापस चले गए, अब बाकी रह गए 250,000। 2175 में से ये निकाल लें, 2150 और अब 86.01। नहीं, आपने पूछा है कि अब ये जो रिटर्न है वो इसमें से क्यों है, इसमें से क्यों नहीं है? इसके से भी जल्दी पता चल रहा है कि परचेज लेट है ना, तो वो पता चल गया कि डिफेक्टिव ऊपर वाली है। जी जी जी, अगर ये साथ ही रीड रेट की होती तो दोनों में से रेट भी चेंज कोई ना कोई हिंट होता, अगर नहीं हिंट होता तो जो आखिरी परचेज की होती उसमें से होते। क्या नहीं समझे? कहां पर? परचेज रिटर्न में इसमें से क्यों नहीं किया? अच्छा, इसमें से आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि लेटेस्ट ये है। सवाल ये है कि ये जो परचेज रिटर्न की है वो ये तो नहीं लिखा कि वो कौन से वाली डेट में से। नहीं नहीं नहीं, वो तो रेट है ना सब लोग। ये जो 18 तारीख को पॉइंट नंबर 7 सप्लायर को परचेज रिटर्न हो रही है, तो परचेज रिटर्न वो कौन से वाले में से है, इसमें से है या इसमें से है, ये सवाल में तो नहीं बताया। अब अगर सवाल में ना बताया हो तो मैंने आपको उसका हाल ये बताया था कि जो लेटेस्ट हुई थी उसी में से कर लें, लेकिन इसकी बाकी कहानी पता है कि ये वो वाले वापस किए जो खराब हुए हैं, और वो खराब इनके आने से पहले हुए थे, इससे पहले खराब थे ना, तो वो जो खराब थे वो यकीनन ये वाले थे, इसलिए 85 वाले वापस किए। पॉइंट नंबर 8, 5000 इशू कर दिए, तो इशू कर देते हैं। 19 तारीख को 5000 इशू हो गए, पे 43005 इशू हुए हैं।
पॉइंट नंबर 8, जल्दी जल्दी लिखा करें और कैलकुलेशन भी करें सारे सब आप लोग, कैलकुलेशन भी चेक करें कि फिगर्स कौन सी हैं, कहां से निकल रही हैं। पॉइंट नंबर 9, सप्लायर ने, अच्छा ये पॉइंट नंबर 8 में एक बात पूछनी चाहिए थी, नहीं पूछी, मैं खुद ही बता देता हूं। ये जो इशू से प्रोडक्शन से वापस आए थे, इसी के बदले हमने नए इशू कर दिए, तो फिर वो इसी रेट पे नहीं होने चाहिए थे? नहीं, सिर्फ जो रिटर्न है ना उसमें ये बात है कि ये ऊपर वाली एक ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर रहा होता है, इसलिए उसका वो ओरिजिनल वाला रेट लगता है। उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो फाइफो वेटेड एवरेज के सूलों पे चली जाएगी। सिर्फ रिटर्न के लिए देखना पड़ता है कि कौन सा रेट है। अब हमने पहले वापस आने की रिकॉर्डिंग की थी, कर ली, अब दोबारा इशू कर रहे हैं, दोबारा इशू कर लेते हैं, तो इसलिए उस वक्त जो रेट चल रहा था वो लिया। अब क्या हुआ आगे? परचेज। तो क्या ये परचेज रिटर्न है? नहीं, तो बस हम परचेज कर रहे हैं और परचेज करने का उसने रेट नहीं बताया, लेकिन चूंकि वो उसी ट्रांजेक्शन से लिंक्ड है तो यकीनन जब 85 वाले ही वो हमें दोबारा बेच रहा होगा। किस तारीख को? 2500। रेट क्या हो गया आगे? 99 से क्या है? 85.99 आगे चल रहा है ना? हाँ, तो बस फिर 86 है। पॉइंट नंबर 10, इशू किए हैं 1.5 लाख, इक्कीस तारीख को इशू किए हैं 150,000, 86 पे 1290 00 और लास्ट एक तो एनआरवी राइट डाउन है और उसके अलावा 4000 यूनिट्स गायब हैं। तो वो जो 4000 गायब हैं उनको तो गायब करें ना। किस तारीख को? 30 को ये शॉर्टेज है, गायब हो गए हैं, तो 4000 निकल गए, यही 86 वाले 344000।
ये जो एन आर वी राइट डाउन है ना, इसको कार्ड में भी एडजस्ट किया जा सकता है, अलहदा भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो मैं कार्ड यहीं रोक देता हूँ, कल मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, उसकी एंट्रीज करूंगा। ये तो भी कार्ड बनाया ना, सारी सवाल की तैयारी हो गई है, सारी कैलकुलेशन हो गई है, अब यहीं से वैल्यूज देख के बस एंट्रीज करनी। तो चूंकि एक सवाल आपको ऑलरेडी होमवर्क दिया है, तो ये भी कहूंगा तो आप तो मरने वाले हो जाएंगे, तो इसलिए मैं बोर्ड पे कर दूंगा कल एंट्रीज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।